जय हिंद। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एयर प्रेशर बेल्ट को समझाएंगे। ये पृथ्वी पर मिलने वाले सात अलग अलग जो वायुदाब की पेटियां है वह कैसे उत्पन्न हुई है और वहां से कौन कौन सी परिघटनाएं होती है, कैसे कैसे पवनें चलती है, उन सब के बारे में आज डिटेल से हम पढ़ेंगे एकदम साधारण भाषा में और एकदम हम डिकोड करेंगे सबको। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम आप सीख जाइएगा और एग्ज़ाम में पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे और आप फिर आप कहेंगे कि हाँ हम भी भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एयर प्रेशर बेल्ट जो है वह बनता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए एयर प्रेशर बेल्ट जो है ना इस पृथ्वी पे, आप जानते हैं कि सूर्यातप की मात्रा सब जगह एक समान नहीं है, कहीं पे सूरज का किरणें ज़्यादा पड़ता है सीधा सीधा, कहीं पे एकदम तिरछी तिरछी है। तो आप जानते हैं कि जहाँ सीधा पड़ेगा तो वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल से। आप साधारण तो ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर मिलने वाले जो एयर प्रेशर बेल्ट है उसके पीछे तापमान और पृथ्वी का खुद का घूर्णन यानी रोटेशन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका खुद का जो गति होता है ये यही कारण बनता है पृथ्वी पर एयर प्रेशर बेल्ट का। लेकिन उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए एटमोस्फेयर के द्वारा लगने वाले प्रेशर को, लगने वाले दबाव को या उत्पन्न होने वाले भार को ही एयर प्रेशर बेल्ट, ये एयर प्रेशर कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, इसको बायोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, आप जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर में बहुत सारे गैस है, बहुत सारे धूल कण मिलते हैं, धूल कण जलवाष्प मिलते हैं और ये सारे के सारे जो है भार भी डालते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो भार होता है। और जब एक के बाद एक, एक के बाद एक वायुमंडल में जब ये लटके होते हैं तो नीचे सभी चीज़ों पे ये दबाव भी डालते हैं, ये चाहे महाद्वीप हो, चाहे महासागर हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, लेकिन हम लोग इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। अनुभव नहीं कर पाते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, कहा जाता है कि एक वर्ग सेंटीमीटर में एक केजी भार डालती है लगभग, इसका वैज्ञानिकों ने निकाला हुआ है कि कितना क्या होगा, तो 1000 मिलीबार जो होता है, 1000 मिलीबार जो एयर प्रेशर है वह एक वर्ग सेंटीमीटर पर एक केजी का भार डालती है लगभग, एक केजी का लगभग। तो आप मनुष्य के ऊपर भी अगर देखेंगे तो हमारा जो ये सर है इसके ऊपर आप इसका क्षेत्रफल थोड़ा निकाल ले, 4 सेंटीमीटर अगर इसका चौड़ाई है, 6 सेंटीमीटर जो है वह लंबाई है, तो 6 × 24 हो गया, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर अगर इसका ये क्षेत्रफल है तो इस पर लगभग 24 केजी का भार पड़ रहा होगा। अब किसी बड़का मुड़ी वाला का हो सकता है ज़्यादा पड़ता हो, लेकिन अनुभव उसको भी नहीं होगा क्योंकि साधारणतः वायुदाब को अनुभव आप क्षैतिज रूप से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप पर्वत के ऊपर चढ़ने लगिए ऐसे 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 या यहां से आप चढ़ते जाइए तब आपको एयर प्रेशर में बदलाव स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाएगा। कैसे अनुभव होगा, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो प्रेशर कमेगा, वायुदाब कमेगी और वायुदाब जब कमेगी तो आपके शरीर में हलचल होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आप हांफने लगेंगे, ऐसे ऐसे करने लगेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे दबाव तो कम हो गया है, अब ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं जिस तरह से, तो ऊपर जो आप जाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका प्रेशर कम हो रहा है तो आप हांफने लगेंगे, तो उससे उस पर आप अनुभव करेंगे। और ऊपर अगर आप चढ़ गए तो क्या होगा कि आपके अंदर से नाक से खून निकलने लगेगा, आँख से खून निकलने लगेगा, कहीं कहीं पे और भी कोमल जो जैसे और भी जगह है कान से वहाँ से खून निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है, क्योंकि अंदर का दबाव तो उतना ही बना हुआ है लेकिन बाहर का दबाव तो कम हो गया ऊपर जाते जाते, तो फिर ये हलचल हो जाएगी। कभी कभी स्याही से जो आपका पेन होता है फाउंटेन पेन, उसमें से स्याही बाहर निकल आता है क्योंकि स्याही जो है ना एक निश्चित दबाव के कारण अंदर में दबा हुआ है, लेकिन जैसे ही दबाव कमता है तो वो कहता है मैं आई, मैं आऊँ, यानी कि मैं आऊँ क्या बाहर, और वो आ जाता है बाहर, फिर वो रिसने लगता है। तो ऐसे अनुभव आप कर सकते हैं प्रेशर को ऊपर चढ़ते हुए, लेकिन ऐसे साधारणतः नीचे धरातल पर अनुभव नहीं होता है। अब देखिए होता क्या है इसमें, इसको मापा कैसे जाता है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए वायुदाब को मापने के लिए एक यंत्र आता है, उसको कहते हैं बैरोमीटर, ये बैरोमीटर होता है, उसको कहा जाता है बैरोमीटर। मुख्यतः दो प्रकार का बैरोमीटर मिलता है, एक मिलता है आपका 14 बैरोमीटर, इसमें मापा जाता है, और एक मिलता है आपका एनीरोइड,
एनीरोइड बैरोमीटर, ये दो प्रकार का बैरोमीटर मिलता है जिससे वायु दाब को मापा जाता है। अब देखिए वायु दाब को मापा कैसे जाता है, उसको या तो वर्ग इंच में माप देते हैं, या सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं, या एमवी में मापते हैं, या तो इंच में माप दीजिए, या वर्ग सेंटीमीटर में माप दीजिए, या एमवी यानी मिलीबार में माप दीजिए, या पाउंड में मापते हैं। साधारणतः एमवी में माप चलता है, तो इसी का इस्तेमाल अधिकांश लोग करते हैं। होता क्या है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा प्रेशर, तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वह पृथ्वी पे सी लेवल पर ही होता है, यानी कि सबसे अच्छा सबसे औसतन माना जाएगा सी लेवल का प्रेशर को, तो इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है और इसी के द्वारा बाकी जगहों का प्रेशर को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। होता क्या है कि सी लेवल पे 1013.2 मिलीबार प्रेशर होता है वायु का, और कितने डिग्री टेम्परेचर होता है उसको साधारणतः 15.2 डिग्री यानी 15 डिग्री, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है 15 डिग्री के आसपास, तो उसको कहेंगे उस औसत तापमान पे सी लेवल जो होता है उस पे 1013 मिलीबार एयर का प्रेशर होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे प्रेशर घटते जाएगा, यहाँ देखिए 10,000 मीटर है यानी 10 किलोमीटर, वहाँ पे जाके मात्र 265 मिलीबार बच गया है एयर का प्रेशर, और वहाँ पे टेम्परेचर देखिए -49 डिग्री सेल्सियस है। अभी आपको हम बताते हैं कि होता क्या है इसमें, इसको आप समझ लेंगे। अभी देखिए साधारणतः कहा जाता है कि एयर प्रेशर पे दो तीन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। पहला तो है तापमान का प्रभाव पड़ेगा, तापमान का यानी कि तापमान में और वायु के दाब में, वायु के दाब में संबंध जो है वह कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशन है, दोनों के बीच उल्टा है, दोनों में जानी दुश्मनी है। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वायु दाब कम हो जाएगा, है ना, और टेम्परेचर कम हो गया तो वायु दाब ज़्यादा हो जाएगा। ये ऐसे होता है, दोनों के बीच में एकदम विपरीत का संबंध है, दोनों एक दूसरे से सहमत ही नहीं होता है। वो देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी का तल है और यहाँ पे हमने सूरज सन बना दिया। अब सन का जो इंसुलेशन है वह सीधे सीधे पड़ रहा है यहाँ पे पृथ्वी पर, इसकी किरणें एकदम सीधे पड़ रही है, तो सीधे पड़ रही है तो सूर्यातप की मात्रा यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। सूर्यातप की ज़्यादा मात्रा होगी इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है उसमें, और एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हाई टेम्परेचर होगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर। और जहाँ पे तिरछी पड़ेगी किरणें यहाँ से यहाँ पे, तो मान लेते यहाँ पे तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा एयर का, हाई प्रेशर हो जाएगा, एचपी हो गया। देख लीजिए यहाँ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर हो गया। अब आपको पता है कि पवने कैसे उत्पन्न होती है, पवने हमेशा उत्पन्न होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अगर इस पूरे पृथ्वी पे एक ही जैसा प्रेशर बना दिया जाए सब जगह तो पवन चलेगी ही नहीं। पवन के लिए जरूरी है चलने के लिए कि इस पूरे पृथ्वी पे टेम्परेचर में अंतर हो और साथ ही साथ प्रेशर में भी अंतर हो जाए, एयर के प्रेशर में अंतर हो जाए, यानी प्रेशर में अंतर हुआ तभी पवने चलेगी। तो क्या होगा, यहाँ से पवने चलना शुरू हो जाएगी किधर, लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा है एयर प्रेशर है। अब होता क्या है कि इंसुलेशन और ये किरणें जो है एकदम सीधी पड़ने के कारण जो है यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। आप देखते हैं ना कि ज़्यादा गर्मी अगर पड़ जाए तो लोग जो है ऐसे ही परेशान होने लगते हैं। तो होता क्या है कि ज़्यादा गर्मी के कारण जो है प्रेशर जो है वह कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की वायु ऊपर उठ जाएगी गर्म होकर के, और ऊपर जैसे ही उठेगी तो स्थान खाली हो गया, उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं से तो हवा चलेगी। कहाँ से चलेगी, जहाँ से ज़्यादा प्रेशर है, अब उस प्रेशर से हवा चलेगी और यहाँ आकर के इस स्थान को भर देगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी है कि जो पवने चलेगी उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन वह किससे निश्चित होगा कि वह कितने स्पीड में चलेगी, तो देखिए इसी से निश्चित होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इस जगह पे बना हुआ है और यहाँ बहुत लो प्रेशर बना हुआ है तो हवा उतनी ही तेज़ गति से चलेगी और तेज़ गति से चलेगी। तो इस प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर से पवने चलती है, इसको तो आप समझ गए। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, यहाँ तो हमने बताया कि हाई प्रेशर इसलिए है क्योंकि लो टेम्परेचर है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे जैसे जैसे पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे यानी कि सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे क्या होगा, ऊपर जाने पर
टेम्परेचर कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाता है? आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, तापमान घट जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो घटेगा उसी को कहते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। कहा जाता है 1 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, ये 6.5 डिग्री, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है ये, तो इतना घटेगा। अब आप कहेंगे कि देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो घट गया, तो प्रेशर क्यों घटेगा? प्रेशर तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप तो यहाँ बता रहे हैं कि टेम्परेचर में और प्रेशर में विपरीत संबंध है, विपरीत का संबंध है। फिर यहाँ तो संबंध विपरीत नहीं है, यहाँ तो दोनों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट में चल रहे हैं, समानुपातिक हो गए। यहाँ तो हो गया क्या, समानुपातिक। अब समानुपातिक जो हो गया तो अब क्या कहेंगे फिर, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए एयर प्रेशर का संबंध तापमान के साथ विपरीत है कि समानुपातिक है, तो क्या कहेंगे? कुछ परिस्थिति में यह विपरीत है लेकिन कुछ परिस्थिति में यह समानुपातिक भी हो जाता है। अगर यह ऑप्शन दिया तब तो ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन अगर दे दिया कि बताइए, एक ही बात बताइए कि समानुपातिक है कि विपरीत संबंध है, तो आप लगाइएगा कि विपरीत संबंध है, क्योंकि पृथ्वी जो है इस पर जो लोगों का जो विस्तार है वो आप देखते हैं कि क्षैतिज है, लोग ऊपर की ओर नहीं बसे हुए हैं, लोग क्षैतिज बसे हुए हैं, और क्षैतिज रूप से तापमान जो है वो प्रभावित करता है। जहाँ जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हमेशा लो प्रेशर बना रहता है, लो प्रेशर का पूरा बेल्टे विकसित हो जाता है, ये भी आपको आगे हम बता रहे हैं। और आप ध्रुवों पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, इसके कारण यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बना रहता है, एकदम हाई प्रेशर रहता है, और यहाँ से भी पवने चलती है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यहाँ से पवने गर्म हो करके ऊपर उठ जाती है, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे अभी। लेकिन आप कहेंगे कि एग्जाम में अगर पूछ दे तो हम तो कह रहे हैं कि आप लगा दीजिएगा इनवर्स पर, लेकिन कैसे इसको आप कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे? तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी आपको हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि मानव के रिश्तों में भी देखेंगे कि कभी कभी रिश्ता एकदम अजीब हो जाता है। जैसे कोई मान लेते हैं दो सगा भाई है, उसकी शादी किसी दो सगे बहन से हो गई है ना, दो सगे बहन से हो गया। अब मान लेते हैं दो सगा भाई जो है उसका एक बड़ा भाई है, उसकी शादी बड़ी बहन से हुई। अब बड़ी बहन जो है उसके उसकी तो पत्नी हो गई, लेकिन छोटी जो बहन है वो क्या लगेगी, वो तो भाभो लगेगी, वो भाभो लगेगी। और ये जो साहब है लड़का वो तो हो जाएंगे क्या, वो भैंसुर हो जाएंगे। अब भैंसुर और भाभो का जो संबंध होता है वो संबंध होता है कैसा, वो संबंध जो होता है उसमें उसको टच नहीं करना पड़ता है, उसको छूते भी नहीं है वो लोग, वो मुँह भी नहीं देखते सामने से, वो इस तरह से होता है। ग्रामीण क्षेत्र में होता है, शहरों में भले ही कम हो गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये सब चलता है। लेकिन वही जो भाभो है अगर वो ससुराल में चला गया और वो भी चली गई, ये जो चली गई अपने मायके और ये चले गए भाई साहब ससुराल, तो क्या होगा वहाँ पे, वहाँ पे वही भाभो उनकी साली हो जाएगी। यानी कि अब वो साली जो है उनका संबंध कैसा रहा है, वो तो मजाक वाला हो गया, वहाँ तो टच भी करेंगे। अगर वह टच नहीं करेंगे तब तो खैर उनके उनको कहा जाएगा कि कुछ ना कुछ उनको बीमारी वगैरह होगा, लेकिन अगर तो टच तो उनको करना ही पड़ता है, साली तो ऐसे भी आधा घर वाली होती है। अब देखिए यहाँ पे संबंध देख लीजिए कैसा हो गया, यहाँ पे संबंध हो गया कुछ और जब ये अपने घर रहते हैं ये भाई साहब भैंसुर साहब, ये इनका संबंध कुछ और हो जाता है। तो देख लीजिए अलग अलग परिस्थिति में संबंध भी अलग अलग हो गया, लेकिन असली संबंध जो है उनका, वो असली संबंध तो उनका भाभो और भैंसुर का ही होगा, क्योंकि ज़्यादा समय तो ये अपने घर में ही बिताएंगे भाई साहब, और इस ये जो है साली साहब इनका भी संबंध जो है वो ज़्यादातर कहाँ बीतेगा, अपने ससुराल में, यानी कि यहीं पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही रिश्ता में अलग अलग स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो यहाँ भी इस तरह से हो गया, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप समझिए कि वायु के जो अभी आपने वायुदाब की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, यानी कि जमीन के तल से लेके ऊपर की ओर आपने देखा है, तो हमने आपको बताया था कि समुद्र के तल पे ज़्यादा होगा, ऊपर जाने पर कम होते जाता है। अब देखिए वायुदाब की जो पेटी है
उसको हम लोग क्षैतिज वितरण को देखते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में वायुदाब में जो कमी या ज़्यादा होता है उसका क्या कारण है और वह कैसे पाया जाता है। तो देखिए इस पूरे पृथ्वी पे क्षैतिज वितरण में देखिएगा, जिसको अक्षांशीय वितरण भी कहते हैं, पूरे पृथ्वी पे वायुदाब की 7 पेटी मिलता है। उसमें से आप देखेंगे कि कैसे कैसे 3 पेटी और 4 पेटी जो है, 3 पेटी जो है वह लो प्रेशर वाला आपको मिलेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और आप 4 पेटी देखेंगे कि हाई प्रेशर का मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ध्रुव पे दोनों तरफ हाई प्रेशर है, और उसके साथ साथ आप अक्षांश वाला एक क्षेत्र देखिए 30-35 डिग्री नॉर्थ साउथ वहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट आप देखेंगे। ये बना कैसे है, इसके रीजन को पहले समझते हैं कि यह प्रेशर बेल्ट बना कैसे है। इसके लिए 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, एक तो तापमान और दूसरा है पृथ्वी का खुद का घूर्णन गति। देखिए तापमान से क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन गति भी बहुत प्रभावित कर देती है। कहीं कहीं पे टेम्परेचर नगण्य हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, और पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण वहाँ की हवाएं फेंक दी जाती है दूसरी जगह पे, जिसके कारण वह प्रदेश भले ही ठंडा में हो लेकिन वहाँ भी लो प्रेशर हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर भले ही यहाँ पे कम होता है लेकिन लो प्रेशर बना हुआ है, और यहाँ देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी हाई प्रेशर बना हुआ है। तो आप जानेंगे कि किस तरह से प्रेशर बेल्ट जो बना हुआ है, कौन कौन सा है जो तापमान के कारण पैदा होता है, और कौन कौन सा जो प्रेशर बेल्ट है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण यानी गतिक कारण से पैदा होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला बेल्ट आप देखिए कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलता है, 5 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर और 5 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक पेटी मिलता है, जिसको कहते हैं विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इसको कहते हैं। बेल्ट इसको क्यों कहते हैं, बेल्ट इसलिए कहते हैं कि यह सतत रूप से फैला हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ से। देखिए एक बेल्ट में पृथ्वी एक तरह से एक बेल्ट लगाई हुई है, आप देख रहे हैं हम लोग भी बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट है। तो इसको बोलते हैं विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। तो इसका पूरी विशेषता को आप समझ लीजिए, फिर आपको दूसरा वाला हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि इस पेटी में सूर्य की जो किरणें होती है साल में कम 2 बार तो एकदम सीधी चमकती है, 1 मार्च में 1 सितंबर में। आप जानते हैं कि इक्विनोक्स होता है, विषुव उसको कहते हैं, उस समय भूमध्य रेखा पर ही सूर्य होता है। तो भूमध्य रेखा पे हुआ तो इसका मतलब है कि इस पूरे क्षेत्र में सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ रही है, इंसुलेशन की मात्रा ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हवाएं होती है वह गर्म होती जाएगी, और गर्म हो करके क्या होगी, यहाँ की हवाएं सीधे ऊपर उठती है, घूमती उमती नहीं है इधर उधर, वो सीधे ऊपर उठ जाती है। इसीलिए उस हवाओं को कहते हैं संवहनीय धारा के रूप में चलती है, कन्वेक्शनल करंट के रूप में चलती है। अब संवहन जो धारा होती है, जहाँ भी इस पृथ्वी पे तापमान के कारण वायु गर्म होगा और वो सीधे वर्टिकल ऊपर उठ जाएगा तो उसको कहेंगे संवहन। संवहन जो होती है ना वो कई जगह पे चलता है, आप देखते हैं द्रव में भी संवहन धारा चलती है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ वायु में भी एक संवहन धाराएं चल रही है। तो सबसे पहले इसको समझिए कि यहाँ पे एक डोल्ड्रम की पेटी भी विकसित हो जाता है। डोल्ड्रम क्या होता है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, डोल्ड्रम का मतलब होता है शांत क्षेत्र, इसको कहते हैं शांत क्षेत्र। यह शांत क्षेत्र क्यों है, क्योंकि हवाएं सीधे ऊपर उठ गई, वर्टिकल तो चली नहीं, तो वर्टिकल चलेगा नहीं तो आदमी को कैसे अनुभव होगा कि भैया यहाँ हवा चल रहा है या किसी तरह का हलचल हो रहा है, तो वहाँ पर हलचल अनुभव ही नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शांत क्षेत्र। हालांकि कुछ विद्वान जैसे फ्लोन साहब है, उन्होंने कहा कि यहाँ भी हवाएं चलती है लेकिन बहुत धीमी धीमी, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, एकदम धीमी धीमी हवाएं, इसीलिए इसको शांत क्षेत्र कहते हैं, डोल्ड्रम्स है। और ये फंस जाता है एक तरह से, देखिए ना इधर से ये बीच में फंसा हुआ है। तो डोल्ड्रम ऐसी स्थिति को भी कहते हैं कि जब लोग निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि करना क्या है और बीच में फंस जाते हैं। समाज में भी लोग कहते हुए सुनिएगा कि हम तो डोल्ड्रम में फंसे हुए हैं, विद्यार्थी भी डोल्ड्रम में फंस जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कभी कभी कि यूपीएससी की तैयारी करते करते लगता है कि नहीं यूपीएससी नहीं करेंगे, पीसीएस कर लेते हैं, फिर लगेगा कि नहीं एसएससी कर लेते हैं, फिर लगेगा कि नहीं छोड़ो इसको रेलवे का कर लेते हैं। तो इस तरह से डोल्ड्रम में जो लोग फंस जाते हैं वो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा सफलता जो है उनसे दूर भागती रहती है। इसलिए अपना लक्ष्य एकदम स्पष्ट रखिए।
नहीं तो डोलरम में फंस करके आप अपना करियर को चौपट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि डोलरम का जो क्षेत्र है यहाँ से हवाएं ऊपर उठ गई, और जो ऊपर जो हवाएं ऊपर उठेगी वह हवाएं कहीं ना कहीं तो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि वायुमंडल में ही विलीन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड में जाकर के फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का भी तो एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसको एक निश्चित ऊंचाई तक ही जाने देगा, उसके बाद ऊपर नहीं जाने देगा उसको। और साथ ही साथ पृथ्वी रोटेट भी करती है, पश्चिम से पूरब घूमती भी रहती है, तो उसका असर इस हवा पर भी पड़ेगा जो ऊपर उठ रहा है, उसकी हवा पर तो पड़ना तय है। तो क्या होता है कि हवाएं जब ऊपर उठती है और क्षोभ मंडल तक पहुंचती है 10-12 किलोमीटर ऊपर तक, तो उसकी दो शाखाएं हो जाती है। वह शाखाएं, एक शाखा उत्तरी ध्रुव की ओर जाना चाहती है, दूसरी शाखा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाना चाहती है। अब उत्तरी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने भी लगती है, उसका डायरेक्शन भी होने लगता है उत्तर और दक्षिण की तरफ, लेकिन जैसे ही 30-35 डिग्री के आसपास तक पहुंचती है उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, वह पश्चिम से पूरब की ओर जाने लगता है, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब जो है वह घूम रही है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होने लगता है, इसके कारण वह नीचे ही उतरने लग जाती है, वो नीचे उतरने लगेगी, और नीचे जब उतरेगी तो 30 से 35 डिग्री के आसपास जाके उतर जाती है। अब ऊपर से नीचे उतर रही है तो क्या हुआ, उसमें शुष्कता बढ़ जाएगा, शुष्कता बढ़ेगा तो उसी स्थिति को कहते हैं जब वायुमंडल में शुष्कता बढ़ जाता है और एकदम वायुमंडल स्थिर हो जाता है, स्टेबिलिटी की स्थिति हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्रतिचक्रवातीय दशा। उस समय में वायु का घनत्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, दबाव दे रहा है, तो दबाव ज़्यादा देगा तो घनत्व तो बढ़ेगा ही, तो घनत्व बढ़ गया, शुष्कता बढ़ गया, प्रतिचक्रवातीय दशाएँ है यहाँ पे, इसके कारण वर्षा यहाँ नहीं हो पाती है, और वर्षा नहीं होने के कारण ही इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि विश्व में बड़े बड़े शुष्क मरुस्थल जो भी है वो सारे के सारे 30-35 डिग्री के आसपास ही महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं, चाहे वह सहारा का मरुस्थल हो, चाहे वह अटाकामा या कालाहारी का मरुस्थल हो, पेरू चिली का मरुस्थल हो, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, क्योंकि वर्षा नहीं हो पाती, ऊपर से नीचे हवाएं उतरती है। अब दूसरा देख लीजिए, इसमें हमने लिखा है ITCZ क्या होता है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। ITCZ को पहले समझ लीजिए, यह इस पेटी में पैदा हुआ, विषुवतीय निम्न दाब की पेटी में। ये ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जेड का मतलब होता है जोन। यहाँ पे होता क्या है इस क्षेत्र में, यहाँ पे हवाएं जो है ना, जो नीचे नीचे हवाएं चल रही है, ऊपर वायुमंडल की नहीं, नीचे नीचे, आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हवाएं इकट्ठी होगी तो वह कहीं ना कहीं तो चलेगी, ऊपर से उतरने वाली हवाएं भी जो होती है पृथ्वी के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, वह तो ऊपर ही रहेगी, वह स्थल पर ही चलना उसको है, तो ऊपर से जब नीचे उतरेगा, ऐसे भी आप देखेंगे कि पंखा से जोर से हवा चलाइए तो पंखा का नीचे का दबाव रहता है तो वह हवाएं चारों तरफ फैलेगी, तो यहाँ भी जो हवाएं है ना वो फैलती है, तो उसको दो ही दिशा मिलता है, एक उत्तर की तरफ जाने के लिए, एक दक्षिण की तरफ आने के लिए, यहाँ से भी हवाएं जब नीचे उतरेगी तो उत्तर जाएगी दक्षिण जाएगी। अब यही जो हवाएं यहाँ से चल रही है, जो भूमध्य रेखा की तरफ डायरेक्शन इसका है इस तरह से, ऐसे यही हवाएं यहाँ पे आकर के यहाँ पे टकराने लगती है, यहीं पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन जाता है, यह हवाएं इसी क्षेत्र में आकर के इस हवा से और इस हवा से यहाँ पे टकराना चाहती है, उसी को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हालांकि होता क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल टक्कर तो नहीं हो पाता है, अगर टक्कर हो जाएगा तब तो चक्रवात ही पैदा हो जाएगा, दोनों हवाएं मिलकर के चक्रवात बना देगी, लेकिन टक्कर नहीं हो पाता, यह हवाएं जैसे जैसे यहाँ पे आती है इस क्षेत्र में तो इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोल देंगे, लेकिन टक्कर नहीं हो पाता है क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होते ही यहाँ से ऊपर उठ जाती है, तो उसका वर्टिकल मूवमेंट हो जाता है कन्वेक्शनल करंट के रूप में, तो वह सीधे ऊपर उठ जाएगी, ये भी हवाएं आएगी यहाँ तक पहुँचते इतनी गर्म हो जाएगी कि सीधे ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर जा करके वह दो दिशाओं में भागेगी, तो उसको बोलते हैं जेट। देखिए ऊपर जो हवाएं चलती है ना वायुमंडल के ऊपर, उसको बोलते हैं जेट। तो जैसे ही ऊपर उठ गई और ऊपर से उसकी दिशाएं ऐसे हो गई उत्तर दक्षिण, उसको बोलेंगे जेट, और वह जेट फिर नीचे की ओर उतर जाता है अश्व अक्षांश पे, तो वहां पे आकर के यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा देगा, और फिर अश्व अक्षांश पे उतर करके यही हवाएं नीचे नीचे इस क्षेत्र में चलने लगती है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, तो ITCZ को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है दो हवाओं का, इसीलिए इसको बोलते हैं, यह शिफ्ट भी करते रहता है मौसम के अनुसार, ये तो आदर्श दशा हम बता रहे हैं मार्च का और सितंबर का, यह
जून के महीने में काफी उत्तर चला जाता है, ये कर्क रेखा आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ तक पहुंच जाता है, तो इसको बोलेंगे SITC, है ना, और इसको NITC सॉरी नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ में चला गया। और मकर रेखा पर जब दिसंबर के महीना में पहुंच जाता है तो इसको बोलते हैं SITC, इसको बोलेंगे साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ऐसा होते रहता है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल आपको पढ़ना है एयर प्रेशर बेल्ट को, तो इसको आप समझ गए हैं। अब देखिए इसमें एक चक्रवातीय दशाएं जो पैदा हो रही है अश्वक्षांश को आप समझ लीजिए, इसको तो आप एकदम अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, अब आप इसको समझ लीजिए 30 से 35 डिग्री पर, यही हवाएं जो ऊपर गई जेट के रूप में चली और फिर नीचे आ गई तो यहाँ पे अश्वक्षांश हो गया, इसको अश्वक्षांश क्यों कहते हैं इसको आप समझ लीजिए। अश्वक्षांश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले घोड़ों का व्यापार होता था बहुत अधिक मात्रा में, स्पेन से लोग अमेरिका जाते थे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरोप में स्पेन है, यहाँ से लोग अमेरिका जाते थे घोड़ों के व्यापारी करने के लिए, साथ ही भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्र में भी घोड़ों का व्यापार होता था, तो इस क्षेत्र में जैसे ही घोड़ा लदे हुए जहाज पहुँचते थे उनका जहाज जो है वह अचानक से रुक जाता था, उनका स्पीड कम हो जाता था और इधर उधर होने लगता था। इधर उधर इसलिए होता है क्योंकि हवाएं ऊपर से जब नीचे उतरती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो वहाँ के जो जल होते हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आप ले लीजिए एक गिलास पानी और उसको जोर से फूकिए या चाय को जोर से फूंक दीजिए तो देखिएगा कि उसमें एक लहर पैदा हो जाता है और वह डोलने लगता है। तो वहाँ क्या होता था कि हवाएं जो है अनियमित है, वहाँ पे चलने वाला जो रास्ता है वो अनियमित है, यहाँ पे उतरती रहती है, इसके कारण जो है हवा जो जहाज है वह चल नहीं पाते थे, दिशा भटकने लगता था। उसके कारण क्या है कि वह जहाज के सामान को कम करने के लिए घोड़ों को फेंक देता था कहाँ पे, समुद्र में, और घोड़ा को कहता था जा बेटा तुम अब तैर करके अमेरिका पहुँच जाओ, तो इसके लिए घोड़ा को वो बीग देते थे अपनी जान बचाने के लिए, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया अश्वक्षांश। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल तो जहाज चलते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा पावर होता है उसके इंजन में, इसको तो आराम से वो पार कर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो अश्वक्षांश में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आजकल ऐसा होता है, उस जमाने में इस तरह से था, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अश्वक्षांश। अब देखिए अश्वक्षांश से जो हवाएं है वह नीचे नीचे चलेगी, चूंकि हवाएं ज्यादा है तो नीचे नीचे चलेगी वह लो प्रेशर की ओर, यहाँ पे आकर के वह ये चलती है आपको उत्तर की तरफ, और एक देख रहे हैं आप दक्षिण की तरफ भी चलेगी, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर को हम आपको पहले समझा देते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, साउथ हेमिस्फीयर में भी लगभग इसी तरह से चीजें होती है। अब देखिए यहाँ की जो हवाएं वहाँ चली तो इसको तो इसको बोलेंगे पछुआ पवन, अभी इसको बाद में हम आपको समझाएंगे, अभी आप इसको समझिए कि यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्यों बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है उसके पीछे का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। हम आपको पहले ही बताए हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है और एक कोरियोलिस फोर्स लगता है, वह फोर्स जो है यहाँ की हवाओं को उठा करके वह भूमध्य रेखा की तरफ फेंकना चाहता है। ये पूरे के पूरे ध्रुव, ये पूरे जो पूरे ध्रुव आप देखते हैं ना, ये पूरा क्षेत्र यहाँ की हवाओं, और ये जो पूरा ध्रुव देखते हैं साउथ पोल, यहाँ की हवाओं पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह यहाँ से फेंका करके वह भूमध्य रेखा की तरफ भागना चाहती है, साउथ पोल से भी नॉर्थ पोल से भी, लेकिन वह भूमध्य रेखा की तरफ से आती तो जरूर है, वो चाहती है कि किसी तरह से भूमध्य रेखा की तरफ भागे, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जो हवाएं चलती है वह यहाँ तक हवाएं जो चलती है वह ज़्यादा हट नहीं पाती है। होता क्या है कि यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर होने के कारण यहाँ की जो हवाएं है वह ज़्यादा मात्रा में ही इकट्ठा रह जाती है, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन उसका असर पृथ्वी के घूर्णन का असर पड़ता है 60 से 65 डिग्री पे, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे, तो यहाँ से हवाएं क्या होती है ऊपर उठ जाती है, यहाँ की हवाएं फेंक दी जाती है ऊपर की ओर आ गई, अब यहाँ से हवाएं ऊपर उठ गई, ऊपर उठेगी तो वह नॉर्थ पोल की तरफ और इसका जो है ये साउथ पोल की तरफ जाएगा, या इसको समझ लीजिए पहले, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी तो इसमें भी दो शाखाएं हो ही जाएंगे, ये भी कहाँ जाएगी, ये भी चली गई आपको क्षोभ मंडल के ऊपर, और क्षोभ मंडल के ऊपर जाकर के उसकी दो शाखाएं हो गई, दो शाखाएं जेट के रूप में, और वह फिर नीचे उतर जाएगी, एक शाखा अश्वक्षांश पे और एक शाखा आपको ध्रुव पे उतर जाएगी। अब ध्रुव पे जो उतर गई तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना दिया, यहाँ भी हाई प्रेशर बना दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हवाएं ऊपर उठती है और जो दो विपरीत दिशाओं में जब बढ़ती है
है ना। तो उसके बाद जब यहाँ पे उतरती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर तो बना ही देगी। यहाँ पे उतरने का एक और कारण है, आप देखते हैं कि एक हवाएं यहाँ से भी उठ रही है और वह अश्वक्षांश पे जाके उतर रही है, एक हवाएं यहाँ भी उठ रही है और वह भी एक शाखा जो है वह अश्वक्षांश पे आके उतर रही है। तो ये हवाएं और ये हवाएं दोनों हवाएं ऊपर उठी और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती है और आपस में टकरा जाती है, और टकराने के कारण वह हवाएं न उधर भाग पाएगी न इधर भाग पाएगी, वह बीच में ही उतर जाएगी। यहाँ से उठी, जेट के रूप में चली, दोनों टकरा गई और फिर नीचे उतर गई। तो नीचे जो उतर गई, आप जानते हैं कि दो टकराने वाले आदमी हमेशा जो है अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, वह जो है नीचे ही चले जाते हैं हमेशा। इस समाज में भी देखने को मिलता है, ये नीचे आ गया तो इसीलिए हाई प्रेशर है। अब इस बेल्ट को भी आप समझ गए हैं कि लो प्रेशर बेल्ट क्यों बना हुआ। इसका नाम है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यह पृथ्वी के गति के कारण पैदा होता है, डायनेमिक कारण से। हालांकि यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, फिर भी यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पे लो प्रेशर बनने का एक और कारण बताया जाता है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे महासागरों में गर्म जल की धाराएं चलती है, यहाँ भी चलती है, यहाँ भी चलती है। गर्म जल की धाराएं चलने के कारण भी लो प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन यह कारण गौण है, सेकेंडरी कारण है। प्राइमरी कारण है पृथ्वी का गति होना, और गति का असर जो है वो ज़्यादा पड़ता है, इसके कारण लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे गति के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए, लेकिन गति का असर यहाँ पे कम है और यहाँ पे तापमान का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। इसीलिए इसको कहेंगे ताप जनित, इसको कहेंगे गति जनित, इसको भी कहेंगे गति जनित, इसको कहेंगे ताप जनित। इसमें तापमान का ज़्यादा असर हो रहा है, आप देख रहे हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है कि ये थर्मल जनित है, यानी आप विषुवतीय निम्न दाब थर्मल जनित हो गया और उपोष्ण उच्च दाब गति जनित हो गया, और उपध्रुवीय निम्न दाब भी आपका गति जनित हो गया, और ध्रुवीय उच्च दाब जो है वह आपका थर्मल जनित है, यानी कि ताप जनित है। अब आप इसको समझ लीजिए कि तीन पेटी जो हमने बनाया था, यह निम्न दाब की पेटी है, एक ये निम्न दाब है, एक आप देख रहे हैं कि ये निम्न दाब है, एक निम्न दाब ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद दो पेटी हमने बताया था उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध में देख लीजिएगा दो पेटी, एक हाई प्रेशर बेल्ट ये है, एक हाई प्रेशर बेल्ट ये है, दो हो गया। और उसके बाद दक्षिण में भी होगा, एक हाई प्रेशर बेल्ट ये है और एक हाई प्रेशर बेल्ट ये है, तो ये दोनों को मिला करके चार हो गया, यानी कि तीन और चार सात हो गया, सात पेटियां बनती है पृथ्वी के ऊपर। अब इसमें थोड़ा सा और आप ये समझ लीजिए कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए, हवाएं जो है ना, जो यहाँ पे उतरती है, वह दो दिशाओं में बढ़ जाती है, एक दिशा भूमध्य रेखा की तरफ भागती है और एक देखिए उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ भागेगी। एक ऐसे भी होता है, यहाँ भी ऐसे ही होता है, एक शाखा है लो प्रेशर की तरफ भागेगी किधर, उपध्रुवीय, और दूसरी शाखाएं जो है वह भूमध्य रेखा की तरफ भागती है, देख लीजिए। और वैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है ध्रुव से, और वैसे ही यहाँ भी देख रहे हैं ध्रुव से हवाएं चलेगी लो प्रेशर की ओर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, ये तो स्वाभाविक बात है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रेड विंड्स, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ट्रेड विंड्स, यानी व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स। और आप देख रहे हैं यहाँ भी एक ट्रेड विंड ही बनेगा, दोनों गोलार्धों में ट्रेड विंड्स बनेगा, स्वाभाविक बात है। उसी तरह से इस पवन को कहते हैं पछुआ पवन, क्योंकि पश्चिम से पूरब चलती है, तो इसको बोलते हैं पछुआ पवन, और साउथ में भी चलेगी, इसको भी बोलेंगे पछुआ पवन, इसको भी कहते हैं पछुआ पवन। यह सब हॉरिजॉन्टल धरती के नीचे चल रही है, और साथ ही साथ इसको बोलेंगे ध्रुवीय पवन, क्योंकि ध्रुव से चल रही है इधर इस साइड में, तो इसको बोलेंगे ध्रुवीय पवन, इसको भी कहेंगे ध्रुवीय पवन, क्योंकि यह ध्रुव से आपको उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ चल रही है, इसलिए बोलेंगे ध्रुवीय पवन। ये तीन प्रकार का पवन हुआ मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों में, इसको बोलते हैं परमानेंट विंड्स, लेकिन इसके बारे में विस्तार से अभी हम चर्चा करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन इसमें इतना समझ लीजिए कि चूंकि यह पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, इसीलिए ट्रेड विंड्स को बोलते हैं पूर्वी पवन भी इसको बोल देते हैं, और चूंकि यह नॉर्थ गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए इसको बोलेंगे उत्तरी पूर्वी, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। और ये चूंकि साउथ में है, इसलिए इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यह देखिए साउथ से और ईस्ट से चल रही है, इसलिए बोलेंगे उसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसी तरह से पछुआ पवन जो है, आप देख रहे हैं इधर, ये इधर किधर से चल रही है, दक्षिण और पश्चिम से चल रही है, उत्तर और पूरब की तरफ, यह दक्षिण और पश्चिम से चल रही है,
उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम पछुआ पवन हो गया। और इसको क्या कहेंगे, यह देख लीजिए, यह जो चल रही है उत्तर से प्लस पश्चिम से, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम पछुआ पवन, इसका नामकरण हो गया। अब ये देखिए ध्रुव, ये ध्रुव से चल रही है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवीय पूर्वी पवन, क्योंकि यह दक्षिण से भी चल रही है और पूर्व से भी चल रही है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवीय पूर्वी पवन। और इसको बोलेंगे उत्तर, उत्तर से चल रही है इसलिए उत्तर ध्रुवीय, और चूंकि चल रही है किधर से, पूर्व से ही चल रही है, तो इसलिए बोलेंगे उत्तरी ध्रुवीय पूर्वी पवन, इसको कहेंगे ऐसे, ऐसे नामकरण हो जाता है। लेकिन इसके बारे में अभी डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक बार और इसको आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए बीच में क्या होता है, बीच में होता है उष्ण, आपको देख रहे हैं लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहां से हवाएं वर्टिकल ऊपर उठ जाती है। उसके बाद 30 से 35 डिग्री पे आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि 60 से 65 डिग्री पे क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। और आप देखेंगे कि ऊपर ध्रुव पे जाएंगे तो वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगा, उसको बोलेंगे ध्रुवीय पेटी, है ना, पोलर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट होता है वो, तो ऐसे होता है। आप इसको अच्छे ढंग से फिर से वीडियो को रिवीजन करके देख लीजिए। और हम आपको अब बताते हैं कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो वेस्टर्लीज होती है, और इस तरह की जो जो भी विंड्स है ध्रुवीय पवने, और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि सेल के रूप में पवने कैसे चलती है, तो सेल के रूप में भी आपको हम बताएंगे अभी। उसमें तीन प्रकार के सेल बन जाते हैं, देशांतरीय सेल, उसको उष्णकटिबंधीय, मध्य अक्षांशीय और ध्रुवीय सेल कहते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।